मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मगर मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है। मैं खुद हसान से बात करूंगी, तुम्हारे लिए लड़ूंगी। नहीं ताई अम्मी, आप मेरे लिए किसी से भीख नहीं मांगेंगी। मुझे मोहब्बत चाहिए इज्जत के साथ, भीख में मांगी भी खैरात नहीं। बस चुप हो जाओ। कैसी हो फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है। तुम भी मेरा मजाक बनाने आए हो? नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगा। तुम तो एक बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में बहुत गलत बताया। मुझे कोई क्यों बताएगा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। और वैसे भी कई बार जो दुख होते हैं इंसान को मजबूत करते हैं। और जहां तक हसान की बात है, अगर उसने तुमसे मंगनी तोड़ी है तो इसमें उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। क्या बात है? फातिमा की दिल रोई की जा रही है। वैसे तुम कब आए? अभी आया था, अंदर जा रहा था कि यहाँ पर फातिमा को देखा तो सोचा उसका हाल पूछ लूं। वैसे भी फातिमा को हमदर्दी की जरूरत है। और फिर तुम दोनों का गम भी एक ही जैसा है। वैसे अच्छा है, दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रख के रो लेंगे तो दोनों के दिल हल्के भी हो जाएंगे। शट अप अनिका। अरे 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 क्या बात है, मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गई यार। फातिमा तुम प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानो, तुम तो जानती हो इसकी आदत है इस तरह की बातें करने की। मैं तुमसे बहस करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं मुताहिर। मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आई हूं कि तुम्हें ताया अब्बू बुला रहे हैं। शाहीन, तुमसे मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि सबसे पहले लाउंज को साफ किया करो, देखो जरा क्या हाल हो रहा है, सारे कुशन बिखरे पड़े हैं, डस्टिंग तुमने नहीं की, मगर मजा लीजिए, तुम मेरी बात सुन लो। जी बेगम साहब, अभी कर देती हूँ। अम्मी, मेरे चाचा देखा आपने, सुबह से नहीं मिल रहा, और तुम आई थी ना मेरे कमरे में सफाई करने के लिए, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मत आया करो। वो छोटे साहब, बेगम साहिबा ने कहा था आपके कमरे की सफाई कर दूं। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि अपनी निगरानी में आके मेरे कमरे की सफाई करा लिया करें,
पता नहीं मेरा चार्जर कहाँ रख दिया यार। छोटे साहब, मैंने आपकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया और वहां तो चार्जर था ही नहीं। फिर किधर चला गया चार्जर? खुद से गायब हो गया। उमेर, ये है तुम्हारा चार्जर? यही है मेरा चार्जर। और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि मेरी चीजों को मत हाथ लगाया करो। पता, मुझे तो कभी कभार लगता है कि तुम्हें शौक है कि मुझे किसी तरीके से परेशानी हो। अच्छा लगता है ना तुम्हें ये? नहीं नहीं उमेर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा चार्जर है। क्या लाउंज में लगा हुआ था? यार एक तो गलत हरकत कर रही हो, ऊपर से बहस करना शुरू कर रही हो मेरे साथ। ये तुम खड़ी यहां क्या तमाशा देख रही हो? चलो जाओ, जाकर किचन में काम करो। उमेर, तुम्हें ये इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी एक चार्जर के पीछे? मिल गया ना आखिर तुम्हारा चार्जर, यही लाउंज में पड़ा हुआ था। तुम्हें तो होश होता नहीं अपनी चीजों का कि कहां रखी है, बिला वजह शोर मचा रहे हो। यही चाहती थी ना तुम कि अम्मी मुझ पे नाराज हो, गुस्से हो मुझ पे। हो गई खुश? सुकून मिल गया? वैसे अच्छा ही हुआ वो हसन ने जो है ना तुमसे मंगनी से इनकार कर दिया। वरना उसके घर में भी जाके ना उसकी मां को उसके खिलाफ कर देती तुम, आग लगाती उनके घर में। उमेर, ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा देर नहीं लगती किसी का दिल दुखाने में? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बोल रहे हो तुम? चलो माफी मांगो फातिमा से। मैं कह रही हूं फातिमा से माफी मांगो। माफी? और इससे? उमेर, उमेर,